नमस्कार दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2020 अधिसूचना अब तक जारी नहीं की गई है। फॉर्म स्टार्ट कब से हो गए जल्दी देखें इस वीडियो में, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे जो मैंने बीएसटीसी की वीडियो बनाई है उनके नीचे, बहुत सारे ये कमेंट आए कि सर फॉर्म स्टार्ट कब से हो गए, आखिरकार फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे। अभी मार्च जो है वो चल रहा है, अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, मतलब विज्ञप्ति अभी तक कोई सूचना नहीं है, और फॉर्म है वो कौन कौन भर सकता है इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ, और फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है ये भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए, अगर चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमारा राजस्थान बीएसटीसी का ऑफिशियली जो ग्रुप है वो बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और मैं तैयारी कराने वाला हूँ 23 मार्च 2020 से, और अधिसूचना कब जारी होगी ये भी इस वीडियो में आप जानकर हो जाओगे हैरान। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप सभी को विदित ही होगा कि प्री बीएसटीसी 2020 की ऑफिशियल वेबसाइट अभी तक जारी तो की गई है, लिंक जारी कर दी गई है, लेकिन अभी तक ओपन नहीं हुई, अभी तक जो है वो वेरीफाई नहीं की गई है, मतलब सार्वजनिक नहीं की गई है। उसकी प्री बीएसटीसी के जो एक बीएसटीसी अभ्यर्थी है वो इस वेबसाइट जो इसकी एक वेबसाइट है ये यहाँ पर आपको एक एक अपडेट मिल जाती है, ठीक है। हालांकि वह एक वर्ड पेज जो वेबसाइट है यहाँ पर आप देखते हैं प्री बीएसटीसी 2020, यहाँ पर आपको बीएसटीसी क्या होती है, कौन कौन भर सकता है, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी भी मिल सकती है। कब बीएसटीसी जो नोटिफिकेशन जारी होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो संभावित जो दिनांक है वो लिखा हुआ है 10 मार्च 2020, लेकिन हालांकि 10 मार्च 2020 को धुलंडी होने के कारण आज अभी जो शिक्षा विभाग है, मतलब शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो अधिसूचना जो भी डिपार्टमेंट जारी करता है वो अभी जो है वैकेशन में है, कहा है वैकेशन में। देखो उनकी जो वैकेशन का जो पीरियड था, मैंने खुद एक अभ्यर्थी से पता किया है, हालांकि वो अभ्यर्थी एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, 8 मार्च से 14 मार्च तक उनके पास कुछ भी हाथ में नहीं है अधिसूचना जारी करने का। अब जो भी अधिसूचना जारी होगी, बीएसटीसी परीक्षा की अधिसूचना जारी कब होगी मैं आपको फिक्स डेट बता देता हूं। आपको 15 मार्च से और 22 मार्च तक इंतजार करना है, 30 मार्च से हम तैयारी करेंगे, और आपकी 15 मार्च और 22 मार्च के बीच में अधिसूचना जरूर जरूर जारी की जाएगी, ये मैं आपको बता दूँ। हालांकि 16 मार्च तक या 16 मार्च को ही अधिसूचना जारी हो सकती है, क्योंकि शिक्षा विभाग अब बीएसटी परीक्षा जो है जल्द कराने की, क्योंकि मई में एग्जाम रखेगा, कब एग्जाम रखेगा मई में। दूसरे यहाँ पर आप देख सकते हैं कब होती है काउंसलिंग वगैरह, यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंसलिंग है, रिजल्ट डिक्लेरेशन जो काउंसलिंग का जो सेशन चलता है वो थोड़ा लेट हो सकता है 5-10 दिन, लेकिन एकदम सही है। अब यहाँ पर जो फॉर्म है आप यहाँ पर पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है सिलेबस एग्जाम पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब इस वेबसाइट पर आपको बीएसटी से जुड़े एक एक वेबसाइट आपको मिल जाएंगी, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब यहाँ पर आप पूरी तरह से देख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या है। अब फॉर्म भर सकते हैं जो 12th, अब देखो यहाँ पर पात्रता आप देख सकते हैं, माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्न प्रकार है, यहाँ पर जो भी आप देखें कि सामान्य यदि 50% है, जनरल से हो तो 50%, ठीक है, SC ST OBC दिव्यांग और इनके लिए यदि आप हो तो 45% होने आवश्यक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयु होनी चाहिए तो 1 जुलाई 2020 को 28 वर्ष से अधिक नहीं हो, आप 28 वर्ष से है आपको अधिक नहीं होना है, और आयु में जो छूट मिलेगी वो इस प्रकार से है, कुछ आयु में देह छूट है वो 5 वर्ष, ठीक है, इस प्रकार से है SC ST के लिए, और तो बस कुछ एग्जाम पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको 2020 में जो एग्जाम पैटर्न अधिसूचना बहुत ही जल्द जारी होने वाली है, तो यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए वीडियो बनाई है। तो वीडियो अच्छी लगी जानकर जी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।